दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरी किचन किचन नीतू में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, साउथ इंडियन स्पेशल चिकन चेटीनाड। इसमें लगने वाला कड़ी पत्ता और नारियल का फ्लेवर इस चिकन को बहुत ही खास बना देता है। साउथ इंडियन स्पेशल चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 3 चम्मच, और नारियल है, ये फ्रेश नारियल है, इसको मैंने कद्दूकस में कस लिया है लगभग, ये भी मेरा 3 से 4 चम्मच है। और मैंने तेजपत्ता लिए हैं 2-3, हरी इलायची लगभग मैंने 50 ग्राम काजू लिए हैं, और 2 रेड चिली ली है, थोड़ा सा जीरा लगभग 1 चम्मच, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री और लौंग मैंने 3 से 4 लिए हैं। ये सब हमारा साबुत मसाला होगा। और मैंने इधर लिया है 2 मैंने प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है स्लाइस में, 2 ग्रीन चिली ली है, कुछ कड़ी पत्ता लीव्स लिया है लगभग 10 से 15, और मैंने 2 टमाटर को पतला पतला चॉप कर लिया है, और मैंने लगभग 1/2 kg चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए स्पेशल साउथ इंडियन चिकन बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने सबसे पहले एक फ्राई पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें हम जो हमारे सारे मसाले थे साबुत, वो हम इसमें फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है और जितने भी हमारे मसाले थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और जो हमने नारियल लिया था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे, इसको ज्यादा देर के लिए नहीं करना है आपको, लगभग ये ब्राउन हो जाए थोड़ा सा बस, आपको तभी तक इसे फ्राई करना है। आप जब मसाले फ्राई करेंगे तो आप गैस को स्लो ही रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब ये हमारे मसाले भून चुके हैं, लगभग 2 से 3 मिनट लगे हैं इनको भूनने में। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मैंने इसे मिक्सर जार में कर लिया है, और इसमें लगभग मैं 3 चम्मच पानी डालूंगी और इसको मैं पीस लूंगी, और इसका पेस्ट बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बन चुका है एकदम स्मूथ। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है, और लगभग मेरा 2 ही चम्मच देसी घी है। अब ये जब गर्म हो जाएगा इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। ये ऑयल अब गर्म हो चुका है, जो मैंने प्याज लिए थे वो मैं इस ऑयल में फ्राई करूंगी। ये प्याज लगभग फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, ग्रीन चिली, और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था लगभग 3 चम्मच वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। जो हमने टोमेटो को चॉप किया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब इस मसाले को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, लगभग 1/2 चम्मच हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, हमने पहले भी डाली है मिर्च तो इसलिए ज्यादा ना डालें, लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लगभग 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 ही चम्मच नमक। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनको लगभग 5 मिनट के लिए फिर से ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा पक चुका है अच्छी तरह। अब इसमें हमने जो चिकन लिया था उसकी पीसेस ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चिकन को लगभग 5 मिनट के लिए ढककर इसी मसाले में पकने के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हैं मसाले में चिकन पक चुका है। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसमें मैं ऐड करूंगा। अब इस पेस्ट को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा चिकन रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। मैंने चिकन सर्व कर दिया है, देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी है इसकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल किचन नीतू। थैंक यू।